हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर गोपाल जी के लिए हम कॉटन ड्रेस बनाने वाले हैं। और इस तरह का लाइनिंग वाला हमने कपड़ा लिया है और हमारा ये कपड़ा बहुत ही पहनाने के बाद भी आरामदायक रहेगा। तो इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है, ये हमारी इसकी चौड़ाई पूरी 2.25 इंच है। और इसकी जो लंबाई हमने रखी है, एक बार मैं यहाँ पर नाप के देख लेती हूँ कि इसकी लंबाई हमने कितनी रखी है। तो इसकी लंबाई हमने 29.5 इंच रखा है और इसको हमने डबल किया है। डबल करके इसको मैंने फोल्ड किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस कपड़े को हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे। इस तरह से इस कपड़े को उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद में इसको किनारी किनारी यहाँ से इस तरह से लेकर के इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगाना है। दो दो तरफ से हमें सिलाई लगाना है इसका। ये देखिए, किनारी हमें बहुत ही कम रखना है, ज़्यादा नहीं फोल्ड करना है किनारी के साइड से। तो इसी तरह से इसको हम सिलेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं पूरे को। सिलने के बाद में फिर आपको उसके बाद बताएंगे कि हमें क्या करना है। इसको हमने सिल करके कंप्लीट कर दिया है। अब जिधर से हमने इसको सिलाई किया है, इधर से हम किसी चीज़ की हेल्प से इसको फोल्ड कर देंगे। अभी मेरे पास में ये है जो इसी से हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये हमारी चौड़ी पट्टी है, इसको फोल्ड करने में भी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस पर हम एक बार अच्छे से प्रेस लगा लेते हैं। प्रेस लगा करके इसके बाद फिर आपको बताएंगे कि इसमें हमें क्या करना है। इसका जो किनारी है, अच्छे से इसको हम निकालेंगे। तो चलिए इसको प्रेस कर लेते हैं। पहले मैंने इसको पलट करके इस पर प्रेस लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। इस पट्टी को एक साइड से हमारा ये वाला खुला है, तो इसको अंदर के साइड हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करके इस पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। लगाने के बाद में फिर बताएंगे। मैंने सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस पर इस तरह से हमें प्लेट देना है। ना ही ज़्यादा हमें खूब चौड़ा प्लेट देना है और ना ही हमें बहुत बारीक प्लेट देना है। इस तरह से हम इस पर प्लेट देंगे। पहले प्लेट देते हैं इस पर। कॉटन कपड़ा रहता है तो उस पर प्लेट देना भी बहुत ही इजी रहता है। अगर आप 4-5 प्लेट एक साथ नहीं दे पाएंगे तो आप एक एक प्लेट भी करके इसको दे सकते हैं। इस तरह से इसको मैंने सिल करके कंप्लीट कर दिया है। और ये देखिए, बहुत ही अच्छी हमारी इस पर फ्रिल बन गई है। इसकी लंबाई एक बार हम देख लेते हैं कि ये सिलाई करने के बाद इसकी लंबाई कितनी आ रही है। तो इसकी लंबाई लगभग 8 इंच आ रही है हमारी। अब इसको अगर चाहेंगे तो आप इस तरह से प्लेन भी रख सकते हैं, और अगर चाहें तो इस पर पतला हल्का सा, ज़्यादा चौड़ा नहीं, इस तरह का लेस आप यहाँ से इसको इस तरह से रखते हुए इस पर आप स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह का हमने लेस रखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से रख करके इस पर हम स्टिच करेंगे। तो इसको मैं सिल के फिर इसके नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। तरह से हमने इस पर लेस लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा ये यहाँ का ऊपर का चोली बन गया है। अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, एक इसी में से हमने पतली पट्टी कट की हुई है। इस पट्टी की
लंबाई हमने रखी है 4.25 इंच है और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 1.25 इंच है। इस पट्टी को हम हल्का सा इधर से फोल्ड करेंगे और इधर से हमारा किनारी बना हुआ है इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। इस तरह की पट्टी हम सिलाई करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम सिल करके कंप्लीट कर लेते हैं, करने के बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें हमें क्या करना है। दोनों पट्टी को हमने सिल करके कंप्लीट कर दिया है। हमारे पास दो पीस था इसीलिए हमने अलग अलग सिया है। अगर आपके पास एक लंबा कपड़ा हो तो आप एक ही पट्टी को सिल करके इसको कट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से लेंगे और इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। इसके बाद ये बीच सेंटर हमारा यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम एक मार्क लगा देंगे। ये मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है। एक को हम यहाँ पर लगाएंगे और एक को हम यहाँ पर लगाएंगे। लगा करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने सिल करके इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से फोल्ड करके इतना दूरी पर आप इस बाजू को फिर से सिल सकते हैं, इधर से भी और एक बाजू आप इधर से भी इस तरह से सिल सकते हैं। और अगर नहीं चाहें तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। ठाकुर जी को जब गोपाल जी को पहनाएंगे तो इस तरह से इसको पीछे कर देंगे और एक यहाँ पर इधर और एक इधर वेलक्रो लगाएंगे और गले में ये डालने के बाद में इसको पीछे से हम इस तरह से करके और इसको इस तरह से हम यहाँ पर चिपका लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये कपड़े का लुक आएगा। तो आप अपने हिसाब से जैसा भी पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए वेलक्रो लगा देते हैं दोनों साइड में। लगाने के बाद में फिर आपको दिखाएंगे। दोनों साइड में हमने वेलक्रो लगा करके इसको इस तरह से सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। एक सीधा साइड से लगता है और एक ये उल्टा साइड से लगता है, तभी ये गोपाल जी को जब पहनाएंगे तो ये इस तरह से डाल के और इसमें हमारी बाजू आ जाएगी उनकी और इस तरह से ये वाला हम चिपका देंगे। बहुत ही अच्छा ये ऊपर का उनका खुला खुला चोली बन करके कंप्लीट है। चलिए इसके साथ का हम पैजामा बनाना बताएंगे आपको। पैजामा बनाने के लिए हमने इसी में से कपड़े को लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी क्या लंबाई चौड़ाई है इसकी। लगभग 12.5 इंच इसकी लंबाई है कपड़े की और चौड़ाई जो हम रखे हैं वो लगभग 4.5 इंच है। इस ये कपड़ा जो हमारा लाइनिंग वाला है तो लाइनिंग वाले कपड़े में इस तरफ से हमने जो लिया है वो चोली के लिए है और जो सीधा सीधा लाइनिंग है वो हमने पैजामा के लिए लिया है। अब इसको क्या करना है कि इस साइड से हम इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे इसको। तो चलिए पहले इसको सिलेंगे। से हमने एक साइड के किनारे को सिल करके कंप्लीट कर दिया है। अब इधर के साइड से हमें क्या करना है कि इधर के साइड से भी इस तरह से हमें इस किनारे को लॉक करना है। एक तय इसको लॉक करना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसको भी हमने सिल करके कंप्लीट कर दिया है। इसको दो बार में करके हमने फोल्ड करके सिलाई लगाया है और इसको एक बार में ही फोल्ड करके हमने इस पर सिलाई लगा लिया है। अब इस तरह का काला पतला रंग का इलास्टिक हमने रखा है। इसको ये सिलाई जो लगाए हैं इसके हल्का सा नीचे से इस तरह से यहाँ से हम खींच करके इसको सिलाई लगाएंगे। यहाँ से खींचते हुए इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको भी हमने सिल करके कंप्लीट कर दिया है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा रबड़ है इसको सिलने के बाद ही हम कट करेंगे। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे।
अब फोल्ड करके ये जो नीचे वाला जो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है इसी पर रख करके हम सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा रबड़ है इस तरह से आ जाएगा और इस पर हम खींच करके सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरह से हम खींचेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे ये खींचा जाएगा और जो पहला वाला सिलाई है हमने जो कपड़ा छोड़ा है यहाँ पर हम सिलेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना आराम से इसका सिलाई करके हमने कंप्लीट कर दिया है और ये इस तरह से हमारा रबड़ लगा के कमर पर तैयार है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक इसको हमें सिलाई करना है। इसको एक बार और हम डबल सिलाई लगा देते हैं मजबूती के लिए। इस तरह से यहाँ तक अभी तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में इसको हम बीच सेंटर में ले आएंगे और बीच सेंटर में ले आने के बाद थोड़ा सा इसको हम तिरछा सिलाई लगाएंगे। ये हमारा पैर जो है खुला रहेगा ज़्यादा और यहाँ से इस तरह से हम इस तरह से खुला सिलाई करेंगे। एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। और जो ये बीच का पोर्शन है इसको हम कट कर देंगे यहां से। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही प्यारा और सुंदर उनका पैंट बन करके कंप्लीट है और साथ में हमने ये चोली भी बना करके कंप्लीट कर दिया है। साथ में हम न्यू डिजाइन की इनकी टोपी बनाना बताएंगे। ये टोपी को बनाने के लिए हमने इसी में का क्लॉथ लिया है। इसकी चौड़ाई हमने रखी है लगभग 2.5 इंच है और जो इसकी लंबाई हमने रखी है 17 इंच है। तो इसको हमें उल्टा साइड से इस कपड़े को रखना है और उनका सर देख लेना है कि उनके सर की गोलाई क्या है, उसके हिसाब से हम रबड़ रखेंगे। इस तरह का यही वाला जो हमने इस पर इलास्टिक लगाया है वही वाला इलास्टिक हमने इस पर भी लगाया है और इसको इस तरह से हम पहले कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। सीधा हमारा अंदर के साइड में रहेगा और उल्टा हमारा इधर के साइड रहेगा और यहाँ पर इस कपड़े को के ऊपर में रखेंगे। रखने के बाद इस पर हम इसको स्टिच करेंगे। इसके बाद यहाँ से अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिल देंगे इसको। हमने रबड़ को कट नहीं किया है, ज्यों का त्यों छोड़ दिया है। अब इसको हम इस तरह से किसी चीज से इसको फोल्ड कर देंगे। इसको भी उसी तरह से हम फोल्ड करेंगे जैसे कि हमने चोली को किया था। अगर इस रबड़ की चौड़ाई इतनी आ रही है सर में लगाने के लिए
तो आप इतना ही इंच इसको कट कर लेंगे, यहाँ से रबड़ को कट कर लेंगे। और इस रबड़ को इसके साथ पकड़ करके हम पहले इस पर सिलाई लगाएंगे। मैंने सिल करके टोपी को तैयार कर दिया है। ये दोनों साइड से आप डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये फैल जाएगा, जो सर होगा गोपाल जी का उसके अकॉर्डिंग ये आपकी बहुत ही अच्छी फिटिंग आ जाएगी। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। ये मैंने 6 से 7 नंबर के गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाया हुआ है, ये पैंट और ये दोनों। अगर आप अपने पास गोपाल जी हैं तो ये मेजरमेंट लेकर के आप बनाएंगे तो ज़रूर ये आपके गोपाल जी में फिटिंग की ड्रेस आएगी। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से हमें ये पता लगता है कि आपको ड्रेस पसंद आई या नहीं आई, या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, इससे हमें मोटिवेशन होती है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।